सब्सक्राइब कीजिए, मैं हूँ हिबा फैमिली ब्लॉग में, और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए गरम मसाला पाउडर बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरे पास काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज ये रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए हम देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने साबुत होल मसाला को अच्छी तरह वाश करके मैंने सूखने के लिए रख दिया है। ये हमारा ड्राई हो चुका है। ये देखें, लौंग ली है मैंने तकरीबन 50 ग्राम, और काली मिर्च, सौंफ, ज़ीरा और दालचीनी के टुकड़े मैंने तकरीबन सिनेमन स्टिक 7 से 8 पीस तक मैंने लिया है। इसको थोड़ा सा गरम तवे में मैं भून के एक साइड पे रखूँगी अलग से। तो गाइस, ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला में से थोड़ा सा निकाल के मैंने ये इसलिए कर रही हूँ, मुझे खिचड़ी और कुछ तंदूरी मसाला के लिए ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये यूज़ करूँगी। तो इसका हम फाइन पाउडर बना देंगे। तमाम मसालों को ये देखिए, हमारा गरम मसाला पाउडर बनके तैयार है, खुशबूदार गरम मसाला। आप चाहें तो उसको छान भी सकते हैं, अगर आपको बड़ी इलायची और छोटी इलायची के छिलके देख रहे हैं तो आप इसको किसी भी एयर टायर कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा गरम मसाला पाउडर तैयार।